गुड मॉर्निंग गाइस, अभी नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और नहाने से मेरा आँख लाल हो गया है, बहुत देर तक नहा लिया आज। और अभी कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आज अल्ट्रा लाइट लाइट अल्ट्रा फॉरएवर का लाइट अल्ट्रा और मिल्क के साथ पी रहा हूँ। और आज का जो डे है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा किस लिए आज निकलने वाला हूँ। तो सुबह सुबह ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, जाएंगे आपको जैसा कि पता है आज है 16 सितंबर और हाल ही में एप्पल आईफोन ने एक फोन मतलब आईफोन लॉन्च किया है, तो उसकी प्री बुकिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बात करके रखा है, उन्होंने बोला है सीन को आना है और फोन लेना है, तो वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या है और कैसा है। और आज व्लॉग अच्छा होने वाला है और इसी व्लॉग में करीब ज़्यादा नहीं 100 लाइक्स का मैं एक्सपेक्टेशन करूंगा और आपका सपोर्ट से शायद वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। और मिलते हैं बाय रोड में और बात करेंगे दुकान पे। रिंकू भैया नहीं है, रिंकू भैया कहाँ सर, लास्ट में है क्या? हेलो भैया जी, हेलो रिंकू ब्रो, तो क्या हुआ? कंफर्मेशन नहीं है, 21-22 तारीख तक आएगा माल, मेरे को परसों रात को कंफर्मेशन होगा संडे का नाइट को। ये संडे की नेक्स्ट संडे, ये संडे को कंफर्मेशन हुआ, कंपनी क्या स्टॉक दे रहा है वो तो लॉन्च हो चुका है ना, मतलब सप्लाई तो कर रहा है ना कंपनी के पास है ना, जैसे आपका एक ट्रक हो, जैसे इनका डीप कलर पर्पल कलर का था, तो जैसे आप प्री बुकिंग किया डीप का पर्पल कलर, कंपनी के पास है 5 पीस, 5 दुकानदार को 1-1 पीस कर दिया मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दोस्त के पास अवेलेबल हो रहा है। हम लोग के पास तो नहीं है, कौन से कहाँ से लिए हो? वो पता नहीं, वो भी डीलर है कलकत्ता में किसी के पास है? कलकत्ता नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरा जो दोस्त एक है तो वो बोल रहा हूँ। हाँ बाहर में हो सकता है, कलकत्ता में तो आए नहीं, आने से हम लोग के पास एक पीस में बोला था खुद दे देता हूँ। इसका नाम से मॉडल है से 70,000 प्रो डाउन पेमेंट, पूरा 70,000 प्रो डाउन पेमेंट ना, अरे भाई तो लॉगिन करना है, आकाश बोले तू जैसा भी आप बोल रहे हो लॉगिन करना पड़ रहा, जैसे भी कंफर्म होता है थोड़ा सा फोन कीजिए मुझे, नहीं तो नहीं तो फोन नहीं करेगा, या तो फिर मैं फोन करूंगा, मुझे मिल गया बोल के, दोनों में से एक होगा। ठीक है आप एक बार कंफर्म कर लीजिए मुझे, तो कोशिश कर रहा हूं आपको पहले दिला दूं। इनका पर्पल कलर था, कौन सा कलर लेंगे? ग्रेफाइट कलर लेंगे। 14 ले मिल गया मिल गया, पर्पल कलर देखने मिल गया भैया, एक मिनट फोटो उठा रखा लिया जी, फटाफट कर, ये रुक कर रहा है, तो दोनों अकाउंट लग गए, तो अकाउंट चेंज हो चुका है, इनका ट्राई कर लेना चाहिए। ये कौन सा है, प्रो मैक्स है या सिर्फ 14? ये प्रो है, प्रो है ना, प्रो मैक्स तो नहीं है, ये वाला मैक्स है, दो है या चला गया ग्राफाइट, वो भी गोल्ड लेने वाला था, आपको ये फोन किया था ना, हां
128 नहीं चाहिए ना, 256 या तो फिर 512 512 आया है, थोड़ा सा मंडल तो इसमें भी उठा देना। ये दोड़ पकड़ो ना, आप कहाँ से हट जाओ, आप ही लड़का लिया, दीजिए लड़का लिया तो लड़का हाँ, लड़का भी रहेगा ना, ऑफर क्या है खींचो गरम कर देगा फोन क्या तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये अंकल जी और भैया ले रहे हैं iPhone 14 Pro और उनके साथ थोड़ा सा सेल्फी हो रहा है और रिंकू भैया उसका फोटो ले रहे हैं और मैं सिर्फ देख के मजे ले रहा हूँ। मेरे ब्रदर का आने वाला था फोन लेकिन कंपनी का शॉर्ट सप्लाई का वजह से मैं ब्रदर को फर्स्ट डे डिलीवरी नहीं दे पाया। मेरे लाइफ का फर्स्ट आईफोन होता वो भी फर्स्ट डे में, लेकिन क्या करे, माय बैड लक। मेरे को तो थोड़ा बहुत स्टॉक मिला मिदनापुर में, 12 डे प्री बुक किया, एक पीस भी नहीं मिला, मैं तो फिर भी स्टॉक आ गया मेरे पर। चलो इसका प्रीमियम लुक थोड़ा सा फील कर लेता हूँ आप लोग से पहले, फिर भी ये ओपन तो आप ही करोगे ऑन हैंड। तो क्या करे, निकलता हूँ अब, उससे ज्यादा तो क्या बताए। A सीरीज का फोन लीजिए, A73 A33 बढ़िया, थोड़ा सा स्माइल भी दे दीजिए, हाँ बढ़िया, अब ठीक है, ओके वेलकम। तो भैया थोड़ा सा फोन कीजिएगा अब आने से। और एप्पल का वॉच है, हाँ एप्पल का वॉच, एप्पल वॉच, एप्पल वॉच कितना, 20,000 से स्टार्ट है, कौन सा वाला, एसी आएगा, एसी सीरीज 3 है, एसी वाला 30,000 32,000 है, सीरीज 7 है 42 से स्टार्ट है। अच्छा हेलो, हेलो तो बहुत है, सैमसंग है, ओप्पो है, वो तो एक साथ लेने में मजा आता। ओके भैया से आईफोन चार्जर कौन हटा है, क्या इसमें सी टाइप आ गया या फास्ट चार्जिंग वाला, फास्ट चार्जिंग सी टाइप किया नहीं, सी टाइप नहीं किया ना, पास चले गए अभी, सी टाइप खाली मुंडी कर दिया जी अलग से, इसका इधर सी टाइप, ये तो क्या रहा है इधर सी टाइप, कैमरा आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा दिया है, ठीक है एकदम प्रीमियम फील तो बहुत बढ़िया है, तो छोटा था, छोटा था और उठा के थोड़ा सा लेके आया, नहीं अपग्रेड एक्चुअली जो इसका चिप है ना, बायोनिक जो चिप 16 लगाया वो परफेक्ट है, उसकी वजह से इसका जो फोटो क्वालिटी भी ना मतलब इम्प्रूव कर देगा, 12 मेगापिक्सल से 24 मेगा मतलब 48 मेगापिक्सल मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी सी टाइप करना चाह रहे थे, दिखा दे सर को, अंकल जी एक पिक लिख सकता हूँ थोड़ा सा फोन का, फोन का एक पिक लिख सकता हूँ, क्या क्या क्या
अडैप्टर बंद कर दिया वो तो बटवेल में भी तो कहाँ ना उसमें भी नहीं दिया था तो। क्या गोरिल्ला ग्लास है ये नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास है नॉर्मल टेम्पर्ड अच्छा वाला लगा नहीं नहीं गोरिल्ला ग्लास तो फोन में रहता है ऊपर से जो लगा था टेम्पर्ड ग्लास ना नहीं टेम्पर्ड ग्लास भी एक अच्छा वाला होना चाहिए ना वो अच्छा वाला ही रखे इसका क्वालिटी वाला गोरिल्ला ग्लास जो बोलते ना बहुत जन टेम्पर्ड ग्लास को ही गोरिल्ला ग्लास बोलते है लेकिन इसको सही में देखा जाएगा तो ये टेम्पर्ड ग्लास ही है आप जितना बार भी देखे गोरिल्ला ग्लास अंदर में रहता है तो 25 तारीख तक मिल जाएगा क्या इसका अंदर दिलाने की कोशिश करता हूँ मेरे को संडे एलोकेशन सेकंड एलोकेशन का पता चलेगा कंपनी हर साल ऐसे 11 से ही देख रहा है 11 12 13 सब से ही देख रहा हूँ अरे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अब होते हुए भी ऐसा नहीं एक्चुअली पूरा किया नहीं तो अभी टाटा करेगा तो टाटा फॉक्सिन को लेके टाटा ये करेगा वो नवंबर दिसंबर का बाद तब तक थोड़ा सा सप्लाई बढ़ेगा शायद कौन सा कलर रेडी करो आपका 14 का चाइना कलर टर्की और ब्राजील यही मॉडल टर्की में 1,74,000 इंडियन करेंसी और ब्राजील में 1,46,000 वायरलेस चार्जिंग टैग है क्या नहीं एयर टैग माने ये मनी पर्स बैगेज में टैग लगा देगा वो कहाँ रह गया यहीं से ट्रैक कर सकेगा ओके ये जो बात बोले थे सबसे बड़ा वाला आपको दिए मतलब आपको कौन सा रेडी करूँ आपको बोली रेलवे ठीक है प्रोग्रेस देना दिखा देते तो आपसे दिखा देते हैं आकाश को भेज देते हैं देख रहा हूं वही दिखा यार भैया ही दिखा इससे और एक्सचेंज भी हो रहा है क्या हो सकता है ना ये तो 35,000 में अपना मतलब 12 रन का है उसको 35 बोले ना डिफरेंस पे कर लेंगे फाइनेंस भी हो सकता है अच्छा डबल नहीं अब पर्पस में यूज हो रहा है तो ठीक है लेकिन अगर पर्पस में नहीं है तो एक ही रखना ठीक है एक एंड्रॉइड और एक आईओएस अलग 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 लेकिन एंड्रॉइड दो तो एप्पल दो तो आईओएस दो तो क्या प्लेटफॉर्म क्रॉस होगा ठीक है दो प्लेटफॉर्म तो टाइम होते जा रहा है तो अभी निकलता हूँ मैं मेरा कब तक आएगा देखूंगा ठीक है आपका 22 तारीख बोल तो वैसे ही रहे 22 तारीख शायद मैं कौन सा मैक्स प्रो मैक्स ज़्यादा नहीं थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है लेकिन वो भी बहुत मायने रखता है रख लेता है थोड़ा सा माइनर सा ही है चलिए निकलता हूँ बाय थैंक यू ओके अंकल जी फोन कीजिएगा थोड़ा सा अरे यार तुम्हारा लिए पानी पड़ता सो हेलो गाइस अभी आ गया हूँ घर और बहुत एक्साइटमेंट के साथ आज गया था जेन वॉइस जहाँ पे मैं अपना आईफोन का प्री बुकिंग किया था और आज उसका डिलीवरी लेने वाला था 16 सितंबर को फर्स्ट डिलीवरी लेने वाला था आपको पूरा कन्वर्सेशन वहाँ पे दिखाया मैंने और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जब इतना पेशेंस मैंने किया है तो और भी कर लेंगे और ज्यादा नहीं 2-4 दिन ही है क्योंकि मैंने ये प्लान किया था
आज से 2 महीने पहले, क्योंकि 2 महीने पहले मुझे एक फोन का ऑलरेडी मतलब नीड था, अभी भी है वैसा भी। और जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि कुछ भी चीज आप खरीद रहे हो तो स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। आप वो चीज क्यों चाहते हो और किस पर्पज के लिए यूज करोगे ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल सा बात नहीं है आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। हाँ एक्चुअली ये कॉस्टली है, लेकिन अगर आप उसका वैल्यू देखेंगे तो हाँ वैल्यू के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, तो इसीलिए वो चीज मेरे लिए बहुत मायने रख रहा है फिलहाल तो। और बात करूं तो मैं क्यों डिसाइड किया कि आईफोन 14 प्रो मैक्स ही लेना है। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था 2 महीने पहले जब मैं फोन लेना चाहता था, लेकिन कोई कारणवश मैं ले नहीं पाया, क्योंकि जब मैं हम लोग फोन लेने गए तो वहां पे उन्होंने बोल दिया कि 13 प्रो मैक्स क्यों लेना है 10-20 हजार रुपए में, तो और अपग्रेड वर्जन 2-3 महीने में लॉन्च होने वाला है। तो हमने थोड़ा सा वेट किया और अब जाके ये वाला लेने वाले थे, लेकिन अभी तक आया नहीं है। ये तो मैं लूंगा वो स्मार्ट फॉर श्योर, लेकिन क्या पर्पज के लिए यूज करूंगा वो भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा है कि मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, आज नहीं 2017 में, 2017 में मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब बोलते हैं ना मतलब कुछ हो नहीं रहा है, कुछ मोटिव नहीं था, जस्ट डालना है डाल दिया, कुछ बना दिया, तो वैसा कुछ मोटिव नहीं था। तो जब प्लान आपका स्ट्रांग नहीं है तो अचीवमेंट कैसे होगा, तो हो ही नहीं पाएगा, तो नहीं हुआ। तो अभी क्या है, मैंने एक अपना प्लान बनाया है और उसकी रिगार्डिंग मुझे या तो DSLR लेना पड़ता या GoPro लेना पड़ता, और मैंने ये पूरा सर्च करके रिव्यूज और देख के मैंने ये डिसाइड किया कि आईफोन लेना ही बेस्ट है अभी फिलहाल, क्योंकि ऐसे तो मैं जॉब वाला बंदा हूँ, ठीक है, अपने काम पे जाना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। उसके बाद मेरा जो मी टाइम होता है उसी टाइम में मैं ये वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ या कहीं पर ट्रैवल कर लेता हूँ, और मुझे एडिटिंग करना अच्छा लगता है, तो फ्री टाइम में जब कुछ नहीं करता हूँ तो यही सब चीजों में एंगेज रहता हूँ। तो इसी के कारण अभी क्या है, मुझे एक DSLR चाहिए। अब DSLR तो मैं अभी लेके हर जगह तो घूम नहीं सकूंगा, तो बेस्ट है आईफोन लेना। और आईफोन से क्या है, कैमरे में DSLR से सिर्फ एक ही काम होगा, फोटो वीडियो और उसको फिर डाटा ट्रांसफर करके वहां पे एडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आईफोन एक लेता हूँ या फोन लेता हूँ तो उसमें क्या है, मैं उसी में रिकॉर्ड करके और दोबारा उसी में मैं सारा कुछ एडिटिंग वगैरह भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो मानना है कि सभी के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, लेकिन कंप्यूटर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। तो ठीक है, मैं भी अभी जितने भी आप वीडियोस देख रहे हो सारा कुछ मैं कंप्यूटर से एडिट नहीं कर रहा हूँ, सारा कुछ मोबाइल से ही करता हूँ। हाँ वहां पे जो भी मेटा टैग्स लगाना होता है, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, उसके लिए मैं कंप्यूटर अपना यूज करता हूँ, नहीं तो वैसे ऑन दी वे ऑन गो मैं अपना फोन ही यूटिलाइज करता हूँ। तो आगे जब मैं आईफोन लूंगा और उसका यूटिलाइज करूंगा आपको भी दिखाऊंगा, आपको वीडियोस में भी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है। और बस इतना ही आशा करूंगा आप सभी से कि आप अपना सपोर्ट दें, और ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, इन्फॉर्मेटिव कुछ होंगे, कुछ एंटरटेनिंग भी होंगे। और आने वाले टाइम पे बहुत सारी जगह ट्रेवल्स करने वाले हैं, तो कैसे आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हो, कैसे जा सकते हो, पहुंच सकते हो, वहां जाने के बाद क्या करना है, ये सारे वीडियोस आएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ये कहते हुए आज का जो ब्लॉग या तो जो भी बोल सकते हैं आप, आज का जो वीडियो है उसको एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।